नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। यूपी में आने वाले साल में चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। सूबे से लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस ने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन नेतृत्वहीन कांग्रेस ही चुनाव से पहले एक मंच पर आ ही नहीं पा रहे हैं। हाल ही में पार्टी को यूपी में जितिन प्रसाद के रूप में बड़ा झटका लग चुका है, फिर भी पार्टी आलाकमान सुधरने को तैयार नहीं है। सियासी पर्यटन पर कभी कभार यूपी आने वाली सूबे की प्रभारी प्रियंका दीदी भी अभी गायब ही है। ऐसे में कार्यकर्ता और नेता अपने स्तर पर पार्टी को एकजुट करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वहीं पर बवाल हो जाता है। ताजा मामला यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने एक बैठक रखी थी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान समेत कई बड़े नेता और जिले के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक शुरू तो हुई थी बीजेपी को हराने और उसे मात देने की योजना के साथ, लेकिन बैठक के शुरू होते ही कांग्रेसी आपस में ही उलझ पड़े। नेताओं ने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो विपक्ष को छोड़कर निशाने पर अपने ही नेता आ गए। किसी ने किसी को बीजेपी का दलाल बता दिया तो किसी ने सपा का एजेंट। दरअसल कांग्रेस में कई नेता कई दलों से भी आए हैं, जिन पर अपने आप को असल कांग्रेसी समझने वाले नेताओं ने आरोप लगा दिए। बैठक में मामला काफी गर्मा गया, नेताओं के बीच जमकर बहस हुई और बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से बेदखल है और यहां 2019 में राज बब्बर ने सांसद के तौर पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस न तो लोकसभा और न ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकी है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि कांग्रेस आपसी तालमेल ही नहीं बिठा पा रही है, तो बीजेपी जैसे मजबूत विपक्ष को मात कहां दे पाएगी। ऊपर से आलाकमान ने भी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को अपने भरोसे छोड़ दिया है। चाहे पंजाब हो, राजस्थान या फिर असम और कर्नाटक, सब जगह पार्टी में बवाल मचा हुआ है और राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि यूपी में क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में कुछ कुल खिला पाएगी या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख कर दे सकते हैं और ऐसी खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।